वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइज। और फिर से हम इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने जा रहे हैं और मैं इसे ट्रांसलेट करूंगा हिंदी में। तो बढ़ते हैं इसके हेडलाइन की ओर। हेडलाइन है, टेंशन इन यूपी विलेज आफ्टर अंबेडकर स्टैचू वैंडलाइज्ड, सिचुएशन अंडर कंट्रोल पुलिस। देखिए, टेंशन का मतलब होता है तनावपूर्ण स्थिति। कहाँ पे? इन यूपी विलेज, तो यूपी विलेज में। आफ्टर का मतलब बाद, तो बाद किसके बाद तनावपूर्ण स्थिति हुआ यूपी विलेज में? आफ्टर जो अंबेडकर स्टैचू है, स्टैचू का मतलब होता है मूर्ति या प्रतिमा, वैंडलाइज, उसको वैंडलाइज कर दिया गया। वैंडलाइज का मतलब होता है तोड़ फोड़ कर देना, तोड़ने फोड़ने को वैंडलाइज करना कहते हैं। और ये आपको सिंपल पास्ट में दिख रहा होगा, लेकिन एक्चुअली में ये क्या है, पैसिव वॉइस है कि अंबेडकर स्टैचू को क्या किया गया, वैंडलाइज किया गया। इसके बाद क्या हो गया, तनावपूर्ण स्थिति हो गया यूपी विलेज में। सिचुएशन अंडर कंट्रोल पुलिस, अब पुलिस कह रही है कि जो सिचुएशन है, स्थिति है, वो अंडर कंट्रोल है, वो कंट्रोल में है। ये हो गया गाइस इसका हेडलाइन। अब इसको अच्छे से समझने के लिए वी हैव टू गो टू द मेन न्यूज। तो यहां से देखते हैं, टेंशन ग्रिप्ड बिलसदा विलेज इन उत्तर प्रदेश सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट ऑन थर्सडे आफ्टर अ स्टैचू ऑफ बी आर अम्बेडकर वॉज फाउंड वैंडलाइज्ड। देखिए, टेंशन का क्या मतलब होता है, तनाव या तनावपूर्ण स्थिति। तो टेंशन ने क्या कर लिया, ग्रिप कर लिया। ग्रिप का मतलब होता है इस किसी को कस के पकड़ लेना या जकड़ लेना या अपने गिरफ्त में कर लेने को ग्रिप करना कहते हैं। तो जो टेंशन है, मतलब कि जो तनावपूर्ण स्थिति है, उसने यू नो ग्रिप कर लिया, मतलब कि गिरफ्त में ले लिया अपने किसको, बिलसदा विलेज को। मतलब कि बेसिकली यहाँ पे टेंशन फैल गया है ना। अब ये बिलसदा विलेज कहाँ पे है, इन उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट में है। अब ये टेंशन ने ग्रिप कब किया, ऑन थर्सडे, तो थर्सडे को। अब क्यों हुआ ये, आफ्टर का मतलब बाद, तो बाद किसके, एक स्टैचू, स्टैचू का मतलब होता है मूर्ति या प्रतिमा। स्टैचू किनका, ऑफ बी आर अम्बेडकर का स्टैचू, वॉज फाउंड, तो स्टैचू को क्या किया गया, वॉज फाउंड पाया गया, पैसिव वॉइस है सिंपल पास्ट का, तो स्टैचू को पाया गया। वैंडलाइज का मतलब होता है टूटा हुआ। देखिए, अगर कोई चीज वैंडलाइज है तो वो टूटा हुआ है या यू नो उस चीज को तोड़ा फोड़ा गया है, तो वो क्या है, वैंडलाइज है। तो टेंशन ने ग्रिप कर लिया, मतलब कि गिरफ्त में ले लिया बिलसदा विलेज को। अब ये कहां पे है, बिलसदा विलेज, उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट में। कब, ऑन थर्सडे, थर्सडे को। किसके बाद हुआ ये, एक स्टैचू, स्टैचू किनका, बी आर अंबेडकर का। उस स्टैचू को क्या किया गया, वॉज फाउंड पाया गया, वैंडलाइज, मतलब कि तोड़ा हुआ या टूटा हुआ। एंग्री विलेजर्स, देखिए जो गुस्से में जो विलेजर्स थे, मतलब कि जो एंग्री विलेजर्स थे, उन विलेजर्स ने क्या किया, स्टेज किया। स्टेज का मतलब होता है इस ऑर्गेनाइज करना या आयोजित करना। तो एंग्री जो विलेजर्स थे, उन विलेजर्स ने स्टेज किया, मतलब कि आयोजित किया एक प्रोटेस्ट को, है ना, एंड डिमांडेड, और साथ ही विलेजर्स ने डिमांड किया, मतलब कि मांग किया। स्ट्रिक्ट का मतलब होता है सख्त या कठोर, एक्शन का मतलब होता है कार्यवाही। तो जो एंग्री विलेजर्स थे, उन लोगों ने धरना प्रदर्शन किया और डिमांड किया, मांग किया स्ट्रिक्ट एक्शन का, अगेंस्ट का मतलब खिलाफ, तो किसके खिलाफ, द कल्प्रिट्स। तो जो कल्प्रिट्स है, कल्प्रिट का मतलब होता है मुजरिम या अपराधी, तो कल्प्रिट्स के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन का डिमांड किया। द पुलिस हैव इनिशिएटेड एन इन्वेस्टिगेशन इनटू द वैंडलाइजेशन ऑफ द स्टैचू। देखिए, द पुलिस, तो जो पुलिस है, हैव इनिशिएटेड, तो पुलिस ने इनिशिएट कर दिया है। इनिशिएट का मतलब होता है स्टार्ट करना, शुरुआत करना। तो पुलिस ने स्टार्ट क्या किया, एन इन्वेस्टिगेशन, तो एक इन्वेस्टिगेशन को इनिशिएट कर दिया गया है। अब इन्वेस्टिगेशन किस चीज पर, इनटू द वैंडलाइजेशन, तो इस वैंडलाइजेशन पर। देखिए, वैंडलाइज का मतलब होता है इस तोड़ फोड़ करना, और तोड़ फोड़ करने के काम को वैंडलाइजेशन बोलते हैं। जो वैंडलाइजेशन होता है, यह नाउन फॉर्म होता है, और वैंडलाइज जो होता है वो वर्ब फॉर्म होता है। तो पुलिस ने इनिशिएट कर दिया है, स्टार्ट कर दिया है एक इन्वेस्टिगेशन को। इन्वेस्टिगेशन किस चीज पर, इस वैंडलाइजेशन पर। वैंडलाइजेशन किसका, ऑफ द स्टैचू, तो स्टैचू के तोड़ने के काम पे पुलिस ने क्या कर दिया है, इन्वेस्टिगेशन को इनिशिएट कर दिया है। अब देखिए, ये जो स्टैचू है, विच हैड बिन, जो कि रहा था, विच हैड बिन अ फिक्स्चर, तो एक फिक्स्चर रहा था। फिक्स्चर का मतलब होता है ऐसी चीज जो किसी जगह पर स्थिर हो या फिक्स हो, उसको बोलते हैं फिक्स्चर। तो ये जो स्टैचू था,
जो कि एक फिक्स्चर था, मतलब कि जो फिक्स था कहाँ पे, एट द अंबेडकर पार्क, तो अंबेडकर पार्क में फिक्स था फॉर डेकेड्स, तो दशकों से। डेकेड का मतलब होता है इस अ पीरियड ऑफ 10 ईयर इज कॉल्ड डेकेड, है ना। तो डेकेड्स मतलब कि दशकों से ये क्या था, अंबेडकर पार्क पे फिक्स्चर था, मतलब कि वहाँ पे लगा हुआ था, मतलब कि फिक्स था। ऑफिशियल सेड, ऑफिशियल्स ने कहा, एडिंग तो ऐड करते हुए कहा, ऐड का मतलब किसी बात पे कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना, मतलब कि जोड़ना। तो ऑफिशियल ने ऐसा कहा, ऐड करते हुए, क्या ऐड करते हुए, दैट की द डैमेज्ड स्टैचू, कि ये जो क्षतिग्रस्त जो स्टैचू है, देखिए स्टैचू का मतलब है मूर्ति, डैमेज यहाँ पे जो है गाइस ये एडजेक्टिव है, और कौन सा एडजेक्टिव है, ये पास्ट पार्टिसिपल का, मतलब कि ऐसा स्टैचू जो कि डैमेज है। तो ऑफिशियल ने कहा, एडिंग मतलब कि ऐड करते हुए, कि ये जो डैमेज्ड स्टैचू है, हैज़ बीन रिपेयर्ड, इसको रिपेयर कर दिया गया है, ये पैसिव वॉइस हैज़ बीन रिपेयर्ड, तो ये जो डैमेज्ड स्टैचू है इसको रिपेयर कर दिया गया है, किसके द्वारा किया गया है, बाय द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। द पुलिस हैव ऑल्सो अशोर्ड स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट द कल्प्रिट्स, देखिए द पुलिस, जो पुलिस है, हैव ऑल्सो, तो पुलिस ने ऑल्सो साथ ही क्या किया है, अश्योर किया है, अश्योर का मतलब होता है भरोसा दिलाना या आश्वासन देना, तो पुलिस ने साथ ही आश्वासन दिया है, भरोसा दिलाया है, किस चीज का, स्ट्रिक्ट एक्शन की सख्त कार्रवाई का, किसके खिलाफ, अगेंस्ट द कल्प्रिट्स, कल्प्रिट का क्या मतलब होता है, मुजरिम या अपराधी, तो मुजरिम या अपराधी के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन का आश्वासन भी दिया है पुलिस ने। एंड और साथ ही पुलिस ने किस चीज का आश्वासन दिया है, इंस्टॉलेशन का, इंस्टॉलेशन का मतलब होता है इंस्टॉल करने के काम को इंस्टॉलेशन बोलते हैं, इंस्टॉल का मतलब होता है किसी चीज को कहीं पे लगाना, स्थापित करना, है ना। तो इंस्टॉलेशन को भी आश्वासन दिया है, इंस्टॉलेशन किस चीज का, ऑफ कैमराज, तो कैमराज का, कहां पे इंस्टॉलेशन, इन द पार्क, तो उस पार्क में, टू अवॉइड, तो क्यों इंस्टॉलेशन, टू अवॉइड, ताकि अवॉइड किया जा सके, अवॉइड का मतलब है किसी चीज से बचना, तो अवॉइड किया जा सके, एक रिपीट, रिपीट का मतलब है जो जो दोबारा रिपीट हो, है ना, तो एक रिपीट को, रिपीट किस चीज़ का, ऑफ द अकरेंस, तो यू नो अकरेंस का मतलब होता है इस घटना, है ना, तो ये जो घटना है इसके रिपीट को, अगर ये फिर से होता है, इसके रिपीट को अवॉइड करने के लिए क्या किया गया है, जो यू नो जो कैमरास का इंस्टॉलेशन का आश्वासन दिया है पुलिस ने, मतलब पुलिस ने आश्वासन दिया है स्ट्रिक्ट एक्शन का, किनके खिलाफ, कल्प्रिट्स के खिलाफ, और साथ ही अश्योर किया है इंस्टॉलेशन का, कैमरास का, कहाँ पे, इन द पार्क, उस पार्क में, ताकि अवॉइड किया जा सके एक रिपीट को, किस चीज का, ऑफ द अकरेंस, तो ये जो घटना घटित हुआ है इसके रिपीट को अवॉइड करने के लिए, ऑफिशियल एडेड, ऐसा ऑफिशियल्स ने ऐड किया। वी आर इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर, देखिए वी आर इन्वेस्टिगेटिंग, तो हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं द मैटर, तो ये जो मामला है इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, द डैमेज्ड, द डैमेज स्टैचू, तो जो डैमेज स्टैचू है, हैज़ बिन रिपेयर्ड, उसको रिपेयर कर दिया गया है, एंड स्ट्रिक्ट एक्शन, और सख्त कार्रवाई विल बी टेकन, उसको लिया जाएगा, अगेंस्ट का मतलब है खिलाफ, देखिए टेक का मतलब लेना, है ना, और विल बी टेकन क्या है, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, तो जो सख्त कार्रवाई है, स्ट्रिक्ट एक्शन है, विल बी टेकन, उसको लिया जाएगा, अगेंस्ट मतलब खिलाफ, तो किसके खिलाफ, कल्प्रिट्स मतलब मुजरिम के खिलाफ। द सिचुएशन इज फुल्ली अंडर कंट्रोल, देखिए जो सिचुएशन है, स्थिति है, इज फुल्ली, वो पूर्ण रूप से अंडर कंट्रोल है, सेड, तो ऐसा किसने कहा, एक सीनियर ऑफिसर ने कहा, जो कि पोस्टेड है कहाँ पे, एट द कोतवाली देहात पुलिस स्टेशन में। द इंसिडेंट ऑल्सो स्पार्क्ड आउटरेज ऑन सोशल मीडिया विथ मैनी यूजर्स डिमांडिंग द अरेस्ट ऑफ द अक्यूज्ड एंड इंस्टॉलेशन ऑफ अ न्यू स्टैचू, देखिए द इंसिडेंट, तो ये जो घटना है, ऑल्सो, तो इस घटने ने साथ ही क्या कर दिया, स्पार्क कर दिया, स्पार्क का मतलब होता है चिंगारी लगा देना या किसी चीज़ को भड़का देना, तो किस चीज़ को स्पार्क कर दिया, आउटरेज को, आउटरेज का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा जो एंगर होता है, जो क्रोध होता है, उसको आउटरेज बोलते हैं, तो इस इंसिडेंट ने, इस घटने ने साथ ही भड़का दिया आउटरेज में कि गुस्से को, कहाँ पे, ऑन सोशल मीडिया, तो सोशल मीडिया पर, विथ मैनी यूज़र्स, तो विथ कम साथ, तो मैनी यूज़र्स, मतलब कि बहुत सारे जो यूज़र्स हैं, मतलब कि जो सोशल मीडिया यूज़ करने वाले हैं, डिमांडिंग, वो डिमांड कर रहे हैं, मतलब कि मांग कर रहे हैं, किस चीज़ का, अरेस्ट में कि गिरफ्तारी का, गिरफ्तारी किन का, ऑफ द अक्यूज, तो जो अक्यूज है, अक्यूज का मतलब है आरोपी, जिस पर आरोप लगा है, तो गिरफ्तारी का डिमांड कर रहे हैं अक्यूज का, एंड और साथ ही डिमांड कर रहे हैं किस चीज़ का, इंस्टॉलेशन का, तो इंस्टॉल करने के काम को, किस चीज़ का,
इंस्टॉलेशन ऑफ अ न्यू स्टैचू, तो एक नए स्टैचू का इंस्टॉलेशन का डिमांड कर रहे हैं बहुत सारे यूजर्स। आउटरेज ऑन सोशल मीडिया, देखिए आउटरेज का मतलब होता है गुस्सा या आक्रोश, कहाँ पे? ऑन सोशल मीडिया, तो सोशल मीडिया पे। द इंसिडेंट, अब देखिए जो घटना है किस चीज़ का, ऑफ ब्रेकिंग, तो तोड़ने का, ब्रेक करने का, किस चीज़ को? द स्टैचू, तो जो स्टैचू है किनका स्टैचू? बाबा साहेब का। किनके द्वारा तोड़ा गया? बाय एंटी सोशल एलिमेंट्स के द्वारा। एंटी सोशल का मतलब होता है समाज विरोधी या असामाजिक, और एलिमेंट का मतलब होता है तत्व। तो एंटी सोशल एलिमेंट की असामाजिक तत्वों के द्वारा जो ब्रेक करने का काम है बाबा साहेब के स्टैचू को, कहाँ पे? इन सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट में, इज वेरी शेमफुल। तो ये जो इंसिडेंट है तोड़ने का, ये जो इंसिडेंट है इज वेरी शेमफुल, ये बहुत ज़्यादा शेमफुल है, मतलब शर्मनाक है। पुलिस मस्ट, और जो पुलिस है मस्ट, पुलिस मस्ट इन्वेस्टिगेट दिस मैटर, तो पुलिस को मस्ट में की करना चाहिए इन्वेस्टिगेट में की जांच पड़ताल दिस मैटर, तो इस मामले को, क्योंकि पुलिस को इस मैटर को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। एंड टेक, और पुलिस को क्या करना चाहिए? टेक करना चाहिए, टेक मतलब लेना, एक्शन में की कार्रवाई, कार्रवाई किन के खिलाफ? द अगेंस्ट द अक्यूज, तो आरोपियों के खिलाफ, जो आरोपी है उनके खिलाफ। प्लीज़ इंस्टॉल बाबा साहेब स्टैचू अगेन, अंकित प्रताप कोरी अ सुल्तानपुर रेजिडेंट रोड ऑन एक्स। अब देखिए प्लीज़ में कि कृपया इंस्टॉल कीजिए बाबा साहेब के स्टैचू को अगेन, में कि दोबारा, ऐसा किसने कहा? अंकित प्रताप कोरी, जो कि एक सुल्तानपुर के रेजिडेंट है, रेजिडेंट का मतलब है निवासी, तो यू नो जो रेजिडेंट है उन्होंने क्या किया, वोट किया, लिखा कहाँ पे? ऑन एक्स, तो एक्स पर। दलित एक्टिविस्ट नितिन राज बौद्ध अलेज दैट द एपिसोड सिग्निफाइज हेट्रेड अगेंस्ट दलित्स एंड बैकवर्ड क्लासेस। देखिए दलित एक्टिविस्ट, एक्टिविस्ट का मतलब होता है इस कार्यकर्ता जो किसी सामाजिक या राजनीतिक स्थिति में सुधार लाने का पे काम कर रहा हो, उसको बोलते हैं एक्टिविस्ट। तो जो दलित एक्टिविस्ट है जिनका नाम है नितिन राज बौद्ध, इन्होंने क्या किया, अलेज किया, मैं कि आरोप लगाया दैट कि द एपिसोड की, ये जो एपिसोड है, मैं कि ये जो घटना है, एपिसोड का मतलब होता है इस घटना, तो ये जो घटना है एपिसोड है, सिग्निफाई करता है, सिग्निफाइज का, देखिए सिग्निफाई का मतलब है किसी बात का संकेत देना या शो करना, तो ये जो घटना है ये सिग्निफाई करता है, मतलब संकेत देता है या दिखलाता है किस चीज़ को, हेट्रेड को। हेट्रेड का मतलब है नफरत, नफरत किनके खिलाफ? अगेंस्ट दलित, तो दलित्स के खिलाफ, और जो बैकवर्ड क्लासेस है, मतलब जो पिछड़ा वर्ग है उनके खिलाफ जो हेट्रेड है उसको ये सिग्निफाई करता है, क्या? ये जो एपिसोड है, ये जो घटना है ये। द वैंडलाइजेशन ऑफ द स्टैचू ऑफ बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी इज हाईली कंडेमनेबल, स्ट्रिक्ट एक्शन शुड बी टेकन अगेंस्ट द गिल्टी एंड द एडमिनिस्ट्रेशन शुड टेक इमीडिएट कॉग्निजेंस, सेड मिस्टर बौद्ध। देखिए जो वैंडलाइजेशन है, कि जो यू नो तोड़ने का काम है किस चीज़ का, ऑफ द स्टैचू, तो स्टैचू का, स्टैचू किनका? ऑफ बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का, जो यू नो स्टैचू का जो वैंडलाइजेशन है इज़, वो है हाईली का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, कंडेमनेबल, कंडेमनेबल का मतलब होता है कि इस निंदनीय या निंदा के योग्य है, है ना, और जो स्ट्रिक्ट एक्शन है, कि जो सख्त कार्रवाई है, शुड बी टेकन, उसको लिया जाना चाहिए अगेंस्ट का मतलब खिलाफ, तो किसके खिलाफ? द गिल्टी, गिल्टी का मतलब होता है दोषी या मुजरिम, तो किसके खिलाफ लेना चाहिए स्ट्रिक्ट एक्शन? अगेंस्ट द गिल्टी, तो जो मुजरिम है, जो अपराधी है उनके खिलाफ। एंड द एडमिनिस्ट्रेशन, और जो प्रशासन है, शुड टेक, तो प्रशासन को लेना चाहिए इमीडिएट का मतलब है तुरंत, कॉग्निजेंस का मतलब होता है किसी मामले का ज्ञान, तो जो प्रशासन है उसको इमीडिएट में तुरंत संज्ञान लेना चाहिए, सेड मिस्टर बौद्ध, ऐसा मिस्टर बौद्ध ने कहा। सो दिस इज द न्यूज गाइज, आई होप यू अंडरस्टूड, अगर आपको समझ आया हो देन डू थम्स अप एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल विच इज चंदन खरे, आई विल बी मेकिंग सच काइंड ऑफ कॉन्टेंट इन फ्यूचर, सो दैट्स इट फॉर टुडे, आई विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।